किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं. When we heard the song the first time, we were just totally bowled over. ये गाना सिर्फ म्यूजिकल नहीं, इस गाने के थ्रू यूएन की दिल की बातें बोली जा रही है. गाने के जो लिरिक्स हैं, शुक्र तेरा, some way again conveys what Dimpy is feeling towards Samra. खामोश रह कर भी कह गए. ये गाना मिथुन ने कंपोज किया है. मिथुन जी is known for his romantic ballads. हम लोगों ने मिथुन जी को जिस तरह से ब्रीफ किया था, उन्होंने उससे भी कहीं खूबसूरत गाने को एक्चुअली सजाया है लिरिक्स से. मेरा जो गाना है, that is the love song of the film, and that's what I've come to be known for these days. It's more about love as a feeling and not that much about love as an expression. It's a beautiful song. सुनते 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 परफॉर्म करते करते भी मेरे आंखों में से अपने आप पानी निकल जाता है. शुक्र तेरा. इस गाने में बहुत खूबसूरत वॉइस चाहिए थे, जिसमें डेप्थ हो जिस वॉइस में. एंड चिन्मयी एक्चुअली मिथुन जी का चॉइस था जो कविता जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा. द फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग आई शैल प्रॉब्ली हैव टू गिव टू मिथुन की किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं फॉर गिविंग मी दिस सॉन्ग. ये गाने का लिरिक्स और म्यूजिक और गायकी जितना इम्पोर्टेंट था, उतना ही इम्पोर्टेंट इस गाने का सेट और माहौल था. This song was actually a very difficult song to shoot. Kaushik Dha has choreographed this song. इसका जो पूरा विजुअल है उस वो एक हमारे दिमाग में था. उसका एक हिस्सा हमने सेट लगाया है, एक हिस्सा हम एक्चुअली हिमाचल में शूट किए हैं. The song is an absolute visual treat.